क्या बात है आह मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों जरा देखते हैं ए में ए मल्टीप्लाई करा तो ए आया ए में ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आता है सर लेकिन टीचर है आलसी टीचर है बहुत आलसी नहीं समझा रहे समझा ही नहीं रहे तो क्या करोगे अगर भाई छोटू भाई छोटू रुक रुक हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश फ्रेंड आपका ठीक है और आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले आज हम लोग थोड़ा सा खेल खेलने वाले हैं दोस्तों नंबर्स के साथ कहने का मतलब क्या अरे प्लेइंग विद चैप्टर नाम है नंबर्स का नंबर्स का नहीं चैप्टर का ठीक है तो यार स्टार्ट करें कि कुछ बातें कर ले बातें क्या ही है करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं यार फटाफट पड़ एग्जाम्स आ रहे होंगे मेरे ख्याल से एग्जाम्स के लिए पढ़ने आए होंगे तो आप लोग का मकसद पूरा कर देते हैं देखो देखो आगे देखते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है जरा पेन निकाल ले निकाल लिया ठीक है आज हम लोग को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर क्या होता है मतलब क्या होता है चिंता रखो करो ठीक है उसके बाद

ठीक हाँ, है ठीक है चलो यार तो कुछ अल्फाबेट्स होंगे दोस्तों उनकी जगह ना हम लोगों लो को कुछ नंबर्स रखा होगा हम लोग अरे देखते देखते हैं दिखते हैं पड़ो 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 शार्ट करते हैं फटाफट फटाफट स्टार्ट करते बकवास नहीं करेंगे ज्यादा ठीक है सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जनरालाइज फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होता है बहुत आसान चीज है यार देखो यार क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन लिखा हुआ है तो एक बार डेफिनेशन की जरा इज्जत कर लेते हैं जरा पढ़ लो डेफिनेशन पढ़ लो पढ़ लो मैं इंतजार कर रहा हूं ठीक है ठीक है

ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट प्लेस वैल्यू सर अभी भी नहीं समझ में आया आपकी आपके ने जिस तरीके से पढ़ना बताया उस तरीके से भी समझ में नहीं आया ऐसे नहीं आता तीन चार बार रीड करना पड़ता है और मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मैं ये थोड़ी कह रहा हूं भाई कि एक बार में पढ़ के समझ में आएगा नहीं नहीं, नहीं 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 तीन चार बार पढ़ो मैं आप लोग को यहां पर पढ़ाने तो आता हूं लेकिन मैं आप लोग को यह भी बताने आता हूँ शायद ये ज्यादा बताने आता हूं कि आप लोग खुद से कैसे पढ़ो समझ में आ रहा है आराम से रीड करना है कुछ तो दिमाग में जाएगा दिमाग बोल रहा हूं दिमाग में जाएगा भेजे में ठीक है एक नंबर है दोस्तों उसको जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैं आप लोग एक समझाता हूं। देखना, मैंने लिखा नंबर एट्टी क्या लिखा मैंने एट्टी ठीक है अब अगर इस नंबर को मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखा है ना तो कैसे लिखूंगा ऐसे लिखूंगा फोर की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों सर प्लेस वैल्यू मतलब क्या बता देते हैं Place मतलब क्या four किस position पे units place पे place पे अरे ये तो पता है ना यूनिट प्लेस प्लेस हंड्रेड प्लेस क्या होता है ठीक है जैसे है है right? है पे आ सर, place पे आ आ रहा रहा का सर टेंस अगर यहां पर लिखा होता तो टू कहां पे आता हंड्रेड की प्लेस पे आता सर तो कहने का मतलब क्या अगर नंबर लिखा है एट्टी फोर आपको इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है दोस्तों तो क्या करोगे आप लोग एट को

समझ में रहे किसी भी नंबर को अगर हम लोग को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है ना दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जरा देखो मैंने लिया मान लो नाइन ठीक बा ठीक कौन सी प्लेस पर है नाइन की प्लेस वैल्यू क्या है सर हंड्रेड क्योंकि नाइन हंड्रेड प्लेस पर है राइट तो नाइन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे इससे थ्री मल्टीप्लाईड बाई मल्टीप्लाइड पर है सर प्लेस पर तो थ्री को हम लोग टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक बा और टू इंटू वन तो ये जो मैंने लिखा है ना इस नंबर को मैंने किसी फॉर्म में लिखा है इसको एक्सप्रेस करना बोलते हैं इस नंबर को मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसी और फॉर्म में लिख दिया ठीक है एक बार डेफिनेशन समझो

प्लेस वैल्यूज विद देयर प्लेस वैल्यू समझ तो में आ रहा है लिखा हुआ तब कहेंगे दोस्तों जब उनकी digits को जब उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट हम लोग प्लेस वैल्यू के साथ लेंगे क्लियर है आगे चले कर लोगे काम चलो बढ़िया यार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है राइट फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म पहले ही बता देते चैप्टर बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है हमारी जरूरत नहीं है तुमको लेकिन फिर भी हम क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट ठीक है राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म क्या लिखा हुआ है 25. एक दो मैं कर देता हूं बाकी आप लोग करके दिखाओगे तो टू कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर पर है है तो क्या लिख दिया टू इंटू हंड्रेड प्लस फाइव कौन सी प्लेस पर है सर वन प्लेस पर है तो फाइव इंटू वन अब आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो दोस्तों क्या आएगा सर टू इन टू हंड्रेड आएगा टू हंड्रेड मैं आप लोग के लिए जरा साल भी करके दिखा देता हूं इसका आंसर आएगा 200 और इसका आंसर क्या आएगा फाइव इंटू वन फाइव टू हंड्रेड प्लस फाइव क्या हो जाएगा सर टू हंड्रेड एंड फाइव हो जाएगा राइट right? तो आना यही है क्या आना भैया अरे, अरे 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 नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत कर दिए माफी 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 क्या आएगा जरा बता देते हैं गलत यह कर दिए दोस्तों कि यहां पर ना हम जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए ठीक बा टेंस प्लेस पर आ रहा है ना टू हम गलती से हंड्रेड लिख दिए ठीक है जरा देखिए प्लस या आएगा भैया आपका क्या आएगा यहां पे भी मिटा देते हैं बिलू प्लेन ले लेते हैं बिलू पेन कितना आ गया ट्वेंटी प्लस फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव अरे कहने का मतलब क्या जरा देखो टू इंटू टेन आ गया ट्वेंटी प्लस फाइव इंटू वन आ गया फाइव ट्वेंटी प्लस फाइव आगे ट्वेंटी फाइव कहने का मतलब मैं ट्वेंटी फाइव को टू इंटू टेन प्लस फाइव इंटू वन टू इंटू टेन प्लस फाइव इंटू वन लिख सकता हूं मानते हो मेरी बात आगे भी कर लेते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और जरा देखिए ठीक है वन ट्वेंटी नाइन करके दिखा रहा हूं सेवेंटी थ्री और थ्री जीरो टू आप लोग में छोड़ूंगा थ्री जीरो टू करके दिखा दूंगा उसमें जीरो आ रहा है शायद कंफ्यूज हो जाओ आप लोग तो थ्री जीरो टू करके दिखा देते हैं जरा देखिएगा ठीक है क्या बात है तो थ्री आ रहा है सर पर, सर 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 प्लेस 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 पर 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 आ आ रहा है सर, पर, सर, टू आ रहा है है बातें क्लियर है मैंने क्या करा ठीक है अब क्या करेंगे भैया ये हो गया अपना आंसर ये हो गया अपना आंसर आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो थ्री इंटू हंड्रेड जीरो इंटू टेन का कोई मतलब नहीं है ना जीरो जीरो है ना प्लस टू इंटू वन आप चाहो तो इसका ऐसा भी लिख सकते हो दिस इज योर आंसर फॉर जनरलाइज फॉर्म दिस वॉज योर आंसर फॉर जनरालाइज फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन आई होप आप लोग बातें क्लियर होंगी आप सॉल्व करके भी देख लो दोस्तों थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस टू इंटू वन मतलब टू थ्री हंड्रेड प्लस टू कितना होगा कितना होगा ठीक बा आगे चले बहुत आसान सी बातें हैं दोस्तों अब क्या लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म सर आपने जनरलाइज फॉर्म तो बता दिया वो खोल बोल के लिखना है डिजिट्स को उनके प्लेस मल्टीप्लाई करके लिखना है ना क्या बात है सर यूजुअल फॉर्म मतलब क्या अरे जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना वही यूजुअल फॉर्म होता है जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना वही यूजुअल फॉर्म होता है भाई ये इस नंबर का जनरलाइज फॉर्म हुआ ये इस नंबर का जनरलाइज फॉर्म हुआ तो ये क्या होगा ये यूजुअल फॉर्म होगा मतलब आप लोग को अगर जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन दे दे। में question दिया था। अगर आप लोग को अरे आंसर निकाल के दिखा दो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा ये बता दो तो वो हम लोग को बताना और को हम लोग क्या बोलते हैं आपको दिख रहा होगा खोल बोल के लिखा हुआ है टेन इंटू फाइव प्लस सिक्स टेन इंटू फाइव प्लस

ही 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 होता 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 है. 6 into 1, होता है. 7 into 1, होता है. मैं right, आप, आप डायरेक्ट भी दोस्तों ऐसे कर सकते थे कैसे जरा देखिएगा क्या फाइव है टेंस पर तभी तो मल्टीप्लाई करा होगा सिक्स तो मल्टीप्लाई करा होगा आई होप बातें समझ में आ रही होगी तो डायरेक्ट लिख दो प्लेस पे क्या लिख दो फाइव लिख दो और वन प्लेस पे क्या लिख दो सिक्स लिख दो Answer आ गया समझ जरा जरा मतलब पोजीशन पे होगा सर हंड्रेड प्लेस होगा uh, 10 into 1, मतलब 1 प्लेस पे होगा, place पे होगा समझ में आ रहा है एट इंटू क्या होगा अगर दिया नहीं है तो वन होगा मैं वन लिख सकता हूं दोस्तों आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी तो क्या कर सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं या तो ऐसा कर लो इसको क्या लिख लो सेवन हंड्रेड प्लस टेन इंटू वन कितना कैसे कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो जरा देखना सेवन है हंड्रेड प्लेस पर मतलब तीन डिजिट का नंबर होगा कितने डिजिट का तीन डिजिट का तीन डिजिट का ठीक है तो यहां पे लिख दो सेवन सॉरी टेंस पर कौन सा नंबर आएगा वन क्योंकि वो टेन से मल्टीप्लाइड है और प्लेस आप लोग नहीं डरोगे आप बच्चे नहीं हो आप मेरे दोस्त हो समझ मार और दोस्त आपकी मदद करेगा जरा देखिए बहुत आसान बनाएंगे हंड्रेड इंटू ए हंड्रेड इंटू ए तो सर हंड्रेड ए होता है हंड्रेड इंटू ए तो हंड्रेड ए होता है, है ना और टेन इंटू सी कितना होता है टेन सी होता है और बी इंटू वन बी के साथ कुछ नहीं one लगाओ है ना तो B into one तो सर ये ऐसा हो जाएगा सर सर ये हो जाएगा हंड्रेड ए प्लस प्लस बी ऐसा हो जाएगा अब सर इसको तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हंड्रेड ए प्लस टेन ए प्लस बी ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा इसको तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना लाइक like टर्म्स नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन ये लाइक टर्म्स तो है ही नहीं तो कैसे करा जाए तो आप क्या करोगे डायरेक्ट करोगे इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्या करोगे यहां पर मैं थर्ड क्वेश्चन लिख के कर देता हूं 30 है ना भैया हां 30 जरा देखिएगा है ना 100 a अब आप सोचो आराम से बहुत आराम से हंड्रेड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं जो हंड्रेड प्लेस पर होता है तीन डिजिट का नंबर होगा दोस्तों तीन का क्यों होगा हंड्रेड भी आ रहा है टेन भी आ रहा है, है राइट सर टेन्स प्लेस पे कौन सा होगा जो नंबर टेन से मल्टीप्लाई हुआ होगा कौन सा हुआ है डरने की जरूरत नहीं है सर सी हुआ समझ में आ रहा है सी हुआ ठीक है और बी का इससे मल्टीप्लाई हुआ है कुछ नहीं लिखा मतलब वन से हुआ होगा ठीक है तो बी वंस प्लेस पर आ रहा है मतलब वन्स प्लेस पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो और यही आपका आंसर है ए सी बी ये कैसा नंबर है अरे दिक्कत क्या है नंबर की जगह वेरिएबल है अच्छा एक बात क्लियर रखना यहां पे ए सी बी का मतलब बहुत सारे लोग ये सोच लेंगे कि ए इंटू सी इंटू बी क्या बोला मैंने ए इंटू सी इंटू बी नहीं यहाँ पे ये मतलब नहीं है कहने का मतलब क्या सर यहाँ पे ए सीबी लिखा है लिखा होता है ऐसा तो हो? नहीं, नहीं, नहीं करते समझ में ना वैसे ए सी बी एक नंबर है दोस्तों एक नंबर मानो ठीक है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरा भूल जाओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वहां मतलब होता है समझ में आ रहा है लेकिन यहां पर ऐसा मतलब नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया क्या क्या को आप क्या? 7 -1 -8 लिख दोगे नहीं लिखोगे ना वैसे का मतलब पे A -2 -C -2 -B मतलब यहां एक नंबर है उसका नहीं समझ में आ रही है बातें आगे चलते हैं दोस्तों यूजुअल फॉर्म और जनरलाइज फॉर्म आप लोग समझ गए अब जरा एक गेम खेल लिया जाए क्या गेम है भैया जरा देखो चैप्टर का नाम ही गेम खेलना है जरा देखो जो जो बोला गया यहां पे जरा कोशिश करो क्या करोगे आप लोग मैं दिख रहा हूं ना मतलब आप लोग पूरा दिख रहा है ना मैं छुप जाता हूँ ठीक है आप पूरा दिख रहा हूँ क्या बात है चूज अ टू डिजिट कुछ भी फिफ्टी सिक्स नाइनटी एट सेवेंटी फाइव कुछ भी कुछ भी ध्यान से अपने पास रख लो एकदम दिमाग में ठीक है कुछ भी कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी जिसको जो करना है वो कर लो ठीक है उसके बाद क्या करना है रिवर्स दी ऑर्डर ऑफ डिजिट अच्छा रुको, इस गेम को खेलने से पहले दोस्तों, पहले आप मैं ये करते हैं, मैंने दोस्तों एक नंबर लिखा एट्टी क्या लिखा मैंने एट्टी लिखा ठीक है समझ में आ रहा है अब अगर मैं इसकी डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दूं क्या कर दूं इसकी डिजिट्स है कुछ एक है एट जो कि है टेंस पर और एक है फोर जो कि है वन प्लेस पर समझ, right? कर, समझ में फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। समझ आ रहा है राइट अगर इसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर तो मतलब क्या जो टेंस प्लेस पर है उसको पे ले क्या बन जाएगा यहां पर लिख देते हैं हम आफ्टर रिवर्सिंग आफ्टर रिवर्सिंग लिख देते हैं ठीक है ये होता है रिवर्सिंग का असली मतलब रिवर्स राइटिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा दोस्तों लेकिन कर लेंगे कैसी लग रही है ठीक हाँ तो है ठीक है ठीक लिखते हैं फोर्टी एट रिवर्सिंग का मतलब होता है रिवर्सिंग का डिजिट का मतलब होता है डिजिट्स के प्लेस को बदल दो डिजिट्स की प्लेस को एकदम उल्टा कर दो समझ में आ रहा है थ्री जीरो टू को टू जीरो थ्री लिख दो समझ आ रहे फोर्टी एट को 84 लिख दो 94 को 49 दो, को लिख लिख दो दो समझ मारे कर क्या रहे हैं ये दिमाग याद मतलब रिवर्सिंग का क्लियर हो रही है बातें ठीक है क्या बात है एक और देख ले क्या, आ, वन, क्या टू वन सेवन क्या बात है टू वन सेवन का दोस्तों तो क्या हो जाएगा एकदम उल्टा एकदम उल्टा तो क्या होता है यहां पे सेवन आ जाता है यहां पर टू आ जाता है यहां पर तो ये कितना हो गया सेवन वन टू आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी अच्छा सर इसको जनरलाइज इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर इसको लिखेंगे क्या पहले टू है प्लेस पर तो उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे वन है टेन प्लेस पर तो उसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन है वन प्लेस पर तो उसको सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे समझ आ रही है बातें क्लियर हो रही है बातें क्या बात है अच्छा इसको क्या लिखेंगे दोस्तों सेवन आ गया हंड्रेड्स प्लेस पर वन वैसा का वैसे प्लेस पर प्लस टू वैसा का वैसे ही क्या हो गया कौन से पोजीशन पे आ गया प्लेस पर आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी रिवर्स करने के बाद क्या हुआ दोस्तों पहले देखो यहां पे टू था हंड्रेड प्लेस पर इसलिए उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा रिवर्स करने के बाद सेवन आ गया हंड्रेड प्लेस पर समझ में आ रहा है उल्टा कर दिया बस ऐसे याद रखो क्लियर है अब जरा 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 गेम को कंटिन्यू करते हैं जरा देखिए इसको जरा अच्छा कर दें क्या ज़रा देखो ये जनरलाइज्ड फॉर्म ये जनरलाइज्ड फॉर्म अच्छा लगता है थोड़ा जरा देखो क्या लिखा है लेट्स प्ले अ गेम आप लोगों को दोस्तों एक टू डिजिट का नंबर चूज करना है कर लिया होगा आप लोगों ने ठीक है उसके बाद क्या कर रहे हैं रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स टू गेट अ न्यू नंबर जो भी आप नंबर चूज करा मान लो अगर आप चूज करा है 75

एड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विद दिस मतलब क्या जो आपका रिवर्स करने के बाद नंबर आया है ना दोस्तों उसको एड कर दो किसमें जिस नंबर से आपने स्टार्ट करा था जो नंबर आप लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा था कुछ तो सोचा होगा मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूं अगर मान लो मैंने 75 स्टार्टिंग में चूज करा रिवर्स करने के बाद वो 57 बना समझ मारे अब क्या करोगे 75 और 57 को ऐड कर दो ये कह रहे हैं थर्ड स्टेप में समझ मारे अब क्या हुआ नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11 नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11 जो भी आपका प्लस करने के बाद आंसर आया है ना दोस्तों उसको काय से डिवाइड कर दो 11 से डिवाइड कर दो मैं आप लोग का आंसर बताऊं पक्का बताऊं आप लोग का आंसर पूरा 11 से निपट गया होगा किसी ने कोई भी नंबर्स चूज करा होगा उसका आंसर 11 से पक्का निपट गया होगा सर निपटने का मतलब क्या अरे वो 11 की टेबल में आ गया होगा किसी ने कुछ गलत करा है तो भैया हमने तो सही बताया है तो कुछ गलत कर दिए जरा करेक्ट कर लीजिएगा अब सर ऐसा क्यों हुआ आपको पहले से कैसे पता था कि जो भी हम नंबर ले लें रिगार्डलेस ऑफ नंबर यू चूज गाइस वो नंबर इलेवन से चले जाएगा बट ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोग को समझाता हूं जरा देखना ठीक है बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से अगर मैं कोई नंबर लेता हूं ठीक है मान लो कोई थ्री डिजिट का मैं नंबर सॉरी टू डिजिट का नंबर लेना राइट तो मैं उस नंबर को कुछ भी मान सकता हूं आपने शायद 18 माना हो हो 57 माना मैं कुछ भी मान के मतलब मान लो मैं उस नंबर को ए भी मान सकता हूं सर ए एबी क्यों कुछ भी बोल सकता हूं ना मैंने क्या बोला कुछ भी कुछ भी मान लेता हूं मैं ए भी मान लेता हूं कोई नंबर टू डिजिट का कैसी होगा ए बी समझ मा रहे हैं यहां पे दोस्तों ए बी का मतलब एन टू बी नहीं है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका मतलब होता है ठीक है यहां पे ए बी मतलब एक नंबर

आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी ठीक है अब बी ए का अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं दोस्तों बी इंटू टेन

इंटू टेन मतलब 10 A होता है दोस्तों टेन ए मतलब होता है बात सही है क्या बात है तो को किसमें तो यहां पे लिख दिया ए आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होगी अब देखना जरा आंसर आने वाला है ठीक है क्या बात है अरे टेन ए प्लस अरेवे होता है

प्लस बी बचेगा सर कॉमन कैसे निकाल लिया अरे लास्ट चैप्टर चल रहा है एक तो रहे रहे? मजा ले रहे हो हमारे क्या बात है इलेवन इंटू ए प्लस बी आ गया दोस्तों ठीक है थोड़ी मैं मजाक मजाक करता रहता हूँ किसी को बुरा लग गया तो तो दिल से माफी है ना इलेवन इंटू ए प्लस बी बात क्लियर है अब दोस्तों देखो जो भी आपका नंबर था जो भी आपका नंबर था जो भी आपका नंबर था उसको ऐड करा तो ये आया जो भी आपका नंबर था उसको ऐड करा तो क्या आया ये आया समझ में आ रहा है उसको ऐड करा तो ये आया ये आया, मतलब क्या इलेवन इंटू समय इंटू नंबर है फिर से सुनना जो भी आपने नंबर लिया आपने आपका आंसर जो भी आया ठीक है मान लो यहां पे आपका आंसर कैसे व्हाइट से लिख दे चलो व्हाइट से वाइट सिल यहां पे आपका कुछ आंसर आया होता प्लस करने के बाद ठीक है आपका कुछ आंसर आया होता प्लस करने के बाद राइट

डिविजिबिलिटी टेस्ट पर आ जाते हैं आज तीन चीजें पढ़नी थी जनरलाइज फॉर्म हो गया है खत्म अब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा आप लोगों ने ये चीजें बचपन में भी पढ़ी हुई है मैं बता भी देता हूं ठीक है क्या बात है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टू नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ इट्स यूनिट्स इज जीरो टू फोर सिक्स या फिर एट जीरो टू यहां पर फोर भी लिख दीजिए प्लीज यहां पे फोर नहीं लिखा गया है ठीक है जीरो टू फोर सिक्स कहने का मतलब क्या अरे कोई भी नंबर है आप लोग क्या करते हो आप लोग ऐसा करते हो ना अगर आप लोग को नाइन नाइन डिवाइडेड बाई टू बोलेंगे तो शायद बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि 99, 2 से करके देखता हूं जाएगा कि नहीं जाएगा और फिर जब वो करते हैं तो उनको समझ में आता है कि अरे डेसीमल में आंसर आ रहा है टू के टेबल में नाइन्टी तो एग्जैक्टली आता ही नहीं है बात सही है लेकिन क्यों ना ऐसा करा जाए कि बिना करे ही पता पता लगा लिया जाए बिना करे ही दोस्तों हा बिना करे ही पता लिया पता लगा लिया जाए कि क्या ये टू से जाएगा कि नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट्स डिजिट यूनिट्स प्लेस क्या? प्लेस। यूनिट्स प्लेस मतलब आई होप आप लोग बातें समझ में आ गई होंगी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं अगर मैं आपसे पूछू टू थ्री जीरो फोर क्या ये टू की टेबल में आएगा आप लोग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बस दिमाग में याद रखना है क्या कि यूनिट्स प्लेस पर फोर है अगर जीरो टू फोर सिक्स और एट आता है यूनिट्स प्लेस पे तो वो टू पे टू से निपट जाएगा तो ये क्या होगा भैया ये से डिविजिबल होगा समझ में आ रहा है एक और एग्जाम्पल कर ले आप लोग को दे देते हैं होमवर्क के लिए आप लोग प्लीज करके रखिएगा मुझे बताओ टू नाइन सेवन नाइन फोर फाइव सिक्स क्या ये टू से चले जाएगा और इतना बड़ा नंबर सर करके देखना पड़ेगा क्या नहीं 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 करके नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि टीचर ने क्या बताया टीचर ने मतलब तो हम तो दोस्त है दोस्त ने क्या बताया कि भैया अगर लास्ट में यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है आ आ आ आ रहा 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 है सिक्स आ रहा है 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 तो निपट जाएगा टू से समझ रहा है बस ऐसे याद रखो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत काम आते हैं लागे लाइफ में ठीक है अरे तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं भैया समझ में आ रही होंगी चलो यार बढ़िया आगे चलते हैं अब किसका डिविजिबिलिटी देखना है भैया डिविजिबिलिटी बाई थ्री ये थोड़ा सा कठिन बिल्कुल नहीं

रीड करो अरे खुद समझ में आ जाएगा बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा होता है हम बस समझने की कोशिश नहीं करते ठीक है क्या लिखा हुआ है भैया मैं समझा देता हूं कि हाँ दोस्तों हमको अगर चेक करना है पता करना है कि कि वो से जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं तो डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है हम लोग हैं होशियार क्या भैया अगर उसके डिजिट्स को मैं प्लस करूं अगर उसके डिजिट्स को मैं प्लस करूं डिजिट्स को एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं अभी आगे क्वेश्चंस भी करेंगे मैंने अगर आपसे पूछा क्या ट्वेंटी थ्री थ्री के टेबल में आता है क्या ट्वेंटी थ्री थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो आप लोग बोलोगे सर नहीं सर कैसे पता चला टू प्लस थ्री कर दो क्या कर दो टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री का आंसर क्या रहा है फाइव सर टू प्लस थ्री क्यों करा क्योंकि तो ट्वेंटी थ्री बना है टू से और थ्री से टू प्लस थ्री करेंगे फाइव आएगा फाइव थ्री की टेबल में नहीं आता है समझ में आया अगर फाइव थ्री की टेबल में नहीं आता मतलब ट्वेंटी थ्री भी थ्री की टेबल में नहीं आएगा

अगर डिजिट्स का सम करेंगे जो आंसर आएगा अगर वो नाइन के टेबल में आएगा मतलब वो पूरा ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए मान लो मैंने 279, मैंने चेक करना है कि क्या 279, की टेबल में आता है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बस ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखो क्या होगा भैया मैं करूंगा टू प्लस सेवन प्लस नाइन जो भी डिजिट्स होंगे उनको प्लस करना है तो नाइन प्लस सेवन नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू एटीन क्या बात है एटीन आ रहा हाँ, क्या 18? क्या 18, है अरे नाइन नाइन तो नाइन की टेबल में आता है नाइन अगर नाइन की टेबल में आता है मतलब 18 भी नाइन की टेबल में आएगा मतलब टू नाइन भी नाइन से निपट जाएगा समझ में आई बातें चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी तो एग्जाम्पल देखे टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय थ्री हमको पता करना है कि थ्री से कौन सा निपट जाएगा आप लोग को पता है दोस्तों क्या करना पड़ेगा जरा देखिएगा वन एट सिक्स सेवन फाइव सिक्स लिखा हुआ है सिक्स फाइव सेवन लिखा हुआ है क्या करना पड़ेगा वन अरे बहुत आसान है वन प्लस एट प्लस सिक्स कितना ही आसान है इसमें क्या ही ठीक है ठीके? कितना हो जाएगा ये नाइन प्लस आराम से मन में करेंगे भैया मन में अपना अपना टाइम लो बड़ी क्लासेस में कायम आएगा ये कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं करा करा लिख लिख दिया 6 +5 करा, वो लिख दिया वो फिर सेवन से कर दिया बहुत टाइम लगाते हैं अरे कोशिश करो ना कि जल्दी हो जाए कैसे होगा दिमाग में वन प्लस एट नाइन सिक्स प्लस सिक्स फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है ट्वेंटी सेवन अगर अभी भी नहीं समझ में आए कि 27 क्या थ्री के आता, तो 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 आता है ना थ्री मतलब ट्वेंटी सेवन भी थ्री में आएगा और ये बड़ा नंबर भी थ्री से निपट जाएगा ये वाला बड़ा नंबर समझ में आ रहा है एक मैं कर दू पक्का कि कर लोगे चलो एक और करके कर दिखा देते एग्जाम्पल है ना टू प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस जीरो प्लस फाइव ठीक बात टू प्लस सिक्स एट मन में करना है दोस्तों प्लीज वादा करो यार, वादा, मन में गलत गलत होगा ना? गलत होगा, ना, मैंने बोला है ही करने के? नहीं नहीं, नहीं. मन में करो, सीखोगे. ठीक है आगे बेहतर बनोगे टू प्लस सिक्स हो गया एट एट प्लस थ्री हो गया इलेवन इलेवन प्लस हो गया एटीन एटीन प्लस फाइव हो गया ट्वेंटी थ्री ठीक है तो पहली चीज समझ में आ रहा है कि थ्री ट्वेंटी थ्री को डिवाइड नहीं करता थ्री थ्री नहीं आता इसका मतलब क्या कि ये बड़ा नंबर थ्री से नहीं जाएगा समझ में आ रहा है किसी को नहीं समझ में आया तो 23 को फर्दर प्लस कर लो तो ये आएगा 5 और 5 नहीं जाता है 3 से मतलब ये भी नहीं जाएगा आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी और ये चले जाएगा ये वाला मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं बहुत आसान है आगे चलते हैं भैया क्या लिखा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालना है क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालना है आराम से दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है कभी मैं भूल जाऊं ये बताना कि वीडियो को पॉज करो आप लोग को खुद से करना है हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं समझ में आ रहे हैं ना ठीक है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर बेच द फोर डिजिट नंबर सेवन फाइव फोर एक्स कोई फोर डिजिट का नंबर है सेवन फाइव फोर एक्स एक्स की जगह दोस्तों कोई नंबर आएगा वन जीरो टू नाइन सेवन कुछ भी आ सकता है आप लोग को बता दें कि क्या आएगा क्या क्या आ सकता है एक्स की जगह ठीक है और क्या बोला भैया क्या दिया हुआ है कि जो नंबर होगा ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर होगा ये थ्री से डिवाइड होगा तो आप लोग ये बताओ कि एक्स की जगह क्या क्या आ सकता है और भी कुछ पूछा है ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर हमें वो पूरा नंबर भी बताना है हमें वो पूरा नंबर ही बताना है तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो फिर एक्स की जगह उसका वैल्यू रख देना तो वो नंबर आ गया ठीक है एक गलती हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग बस एक्स की एक वैल्यू ढूंढ लेते हैं की जगह दो तीन वैल्यूज भी आ सकती हैं दोस्तों कैसे मैं बताता हूं अब एक बात बताइए अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर थ्री से डिवाइड हो रहा है अगर कोई नंबर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं उसके डिजिट्स को प्लस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी थ्री से चले जाएगा समझ में आ रहा है ठीक है तो जरा ऐसे करते हैं इसीलिए मैं प्लस करूँगा सेवन प्लस फाइव प्लस फोर प्लस एक्स ये भी थ्री से डिवाइड होगा बात सही है क्लियर है बातें क्या बात है तो सेवन प्लस फाइव कितना होगा सेवन प्लस फाइव होगा सर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर कितना होगा सिक्सटीन मतलब ये कितना आ गया सिक्सटीन प्लस एक्स समझ में आ रही है बातें क्लियर हो रही हैं बातें क्या बात है सिक्सटीन प्लस एक्स सिक्सटीन प्लस एक्स तो एक्स की जगह ऐसा क्या आएगा कि ये थ्री से चले जाए अब आपको दिमाग लगाना दिमाग है ना? दिमाग लगाना 16 16 क्या प्लस करें किए तो, तो, तो प्लस करना पड़ेगा सेवनटीन तो आएगा वो थ्री से नहीं जाएगा सिक्सटीन प्लस टू करेंगे तो एटीन आएगा, तो आएगा क्या एटीन थ्री से चले जाएगा दोस्तों तो? सोच लो क्या एटीन थ्री से चले जाएगा बिल्कुल चले जाएगा सर इसका मतलब क्या एक्स की एक वैल्यू सर टू है इसका मतलब क्या एक्स की एक वैल्यू टू है आपको सोच के करना पड़ेगा ठीक है क्या क्या ठीक है तो सिक्सटीन प्लस वन सिक्स वन नहीं जा रहा 16 प्लस 2, जा रहा है समझ में आ रहा है क्या बात है इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूं 16 प्लस 2 18, और ये चलो पहले आप ऐसा कर लेते हैं सिक्सटीन प्लस थ्री भैया एक वैल्यू पर रुकना नहीं है हो सकता है दो तीन वैल्यूज हो सिक्सटीन प्लस थ्री कितना होता है दोस्तों सर आप 1, 2, 3 क्यों ले रहे हो क्योंकि हमें पता करना है ना कि एक्स की जगह क्या आएगा समझ में आ रहा है कि वो पूरा नंबर पूरा नंबर थ्री से चले जाएगा सिक्सटीन प्लस थ्री नहीं जाएगा है ना? आ, और कर लेते हैं भैया पहले ऐसे कर लो उसके बाद आप लोग की आदत लग जाएगी तो मन में ट्वेंटी वन सिक्सटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी टू सिक्सटीन प्लस सेवन इज कितना होता है भैया ट्वेंटी थ्री ठीक है समझ गए लोग 16 प्लस अगर एक्स की जगह एट रख दें तो कितना आएगा ट्वेंटी फोर प्लस अगर रख दें तो कितना uh, पांच नहीं, नहीं। तो तो डिजिट का बन जाएगा हम लोग को चार डिजिट का नंबर निकालना है तो आई होप दोस्तों आप लोग को एक बात समझ में गई होगी वो बात क्या है वो बात ये है वो बात ये है दोस्तों कि सिक्सटीन प्लस वन नहीं जाएगा सिक्सटीन प्लस टू एटीन चले जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा चले जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा चले जाएगा नहीं जाएगा कौन कौन से केस में जा रहे हैं सर जब आपने एक्स की वैल्यू टू रखी जब आपने एक्स की वैल्यू टू रखी जब आपने एक्स की वैल्यू फाइव रखी और सर जब आपने एक्स की वैल्यू एट रखी तो जो नंबर आ रहा है जो नंबर आ रहा है एटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वो थ्री के टेबल में आ रहा है मतलब मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं सर टू हो सकता है सर फाइव हो सकता है सर एट हो सकता है समझ में आया तो आप यहां पे बगल में क्या कर सकते हो आंसर में x की पॉसिबल वैल्यू टू कॉमा फोर कौट आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी यहां पे नहीं रुकना ठीक है सांस नहीं लेना है जब तक खत्म नहीं हो जाए ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर वो सारे नंबर्स पता भी करने तो एक्स की जगह रख देते हैं पहले टू तो सेवन फाइव फोर टू पहला नंबर क्या हो गया भैया सेवन फाइव फोर टू दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सेवन फाइव फोर फाइव तीसरा नंबर क्या हो जाएगा सेवन फाइव फोर एट सेवन फाइव फोर टू सेवन फाइव फोर फाइव सेवन फाइव फोर एट एक्स की जगह बस उसकी वैल्यू रख दी तो ये तीनों नंबर थ्री से निपट जाएंगे आप इनको प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो थ्री की टेबल में आ रहा होगा क्लियर हुई बातें ठीक है ठीके? और आंसर यही आएगा एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर आई होप आप लोग को भाग्य समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में आएगा ही आएगा वो कैसे करा जाता है ठीक है आगे चलते हैं यार फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई द फोर डिजिट नंबर फिफ्टी वन वाई थ्री मतलब फाइव वन वाई थ्री नंबर क्या है भैया नंबर है फाइव वन वाई थ्री किससे चले जाए नाइन से चले जाए वाई की वैल्यू बताना है तो क्या करोगे आप इसको प्लस कर दो ठीक है क्योंकि हमें नाइन का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है क्या पता है भैया नाइन का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर डिजिट्स को प्लस करें जो आंसर आए डिजिट्स को प्लस करें जो आंसर आए वो नाइन से निपट जाए तो पूरा नंबर नाइन से निपट जाएगा राइट तो फाइव प्लस वन प्लस वाई प्लस थ्री कितना आएगा फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस तो ये कितना आ गया भैया ये आ गया नाइन प्लस कितना आ गया ये नाइन प्लस ठीक है अब हमें वाई की जगह दोस्तों कुछ वैल्यूज रखनी है जीरो से स्टार्ट करना जीरो ना भूल जाना ठीक है जीरो रखते हैं सबसे पहले तो अगर मैं जीरो रखता हूं यहां पे रखता हूं जरा देखना ठीक है नाइन प्लस जीरो कितना आएगा नाइन नाइन प्लस वन कितना आएगा टेन नाइन प्लस टू कितना आएगा? इलेवन नाइन प्लस थ्री कितना आएगा ट्वेल्व नाइन प्लस फोर कितना आएगा थर्टीन नाइन प्लस फाइव कितना आएगा फोर्टीन ठीक है फिर यहां पे क्या और देखते हैं कितना 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 आएगा? 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 तक ही करेंगे? 10 मत ले जाना, नहीं तो दस डिजिट का, का नंबर बन जाएगा अरे फाइव वन थ्री में वाई की जगह टेन रख देंगे तो फाइव वन वन जीरो पांच डिजिट का नंबर आ जाएगा समझा तो हमें को सिंगल डिजिट रखनी है हमारे वाई की जगह तो आई होप आप लोग बातें समझ में आ गई होंगी भैया ये नाइन चले जाएगा ठीक बा ये और कौन भैया नाइन तो चले जाता है की टेबल में और कौन सा जाएगा एटीन चले जाएगा चले समझ में आ रहा है मैं क्या कर कर रहा रहा हूं हूं दोस्तों डिजिट्स को प्लस कर रहा हूं। आंसर क्या आया एक केस में नाइन बाकी सब केस में जो भी आ रहा है वो नाइन से नहीं जाएगा एटीन नाइन से चले जाएगा मतलब मैं क्या क्या रख सकता हूं दोस्तों वाई की जगह मैं जीरो रखूंगा तो सर आएगा डिजिट्स का नाइन मैं नाइन रखूंगा तो सर आएगा डिजिट्स का एटीन इसका मतलब मैं क्या क्या रख सकता हूं x की वैल्यू y की वैल्यू जीरो और सॉरी जीरो और नाइन तो आई होप आप को आंसर समझ में आ गया होगा आंसर इज y की वैल्यू जीरो और नाइन अगर आप यहां पर y की जगह जीरो और नाइन या फिर यहां पर y की जगह जीरो और नाइन रखोगे तो आंसर नाइन से डिविजिबल होगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहां पर यह भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर तो नंबर क्या हो जाएंगे आंसर यहां पर और लिख देते हैं क्या हो जाएगा भाई फाइव वन वाई थ्री मतलब फाइव वन जीरो थ्री और फाइव वन नाइन थ्री ये दो नंबर हैं दोस्तों जो नाइन से डिविजिबल होंगे आप सम करके देख सकते हो फाइव प्लस नाइन से नाइन चले जाता है फाइव प्लस वन सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन भी नाइन से चले जाता है आई होप आप लोग को यह मजेदार क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आगे चले रिमार्क भाई एक रिमार्क है आप लोग के लिए आपको ये बात याद रखनी है क्या A which is by 9 is लेकिन बट अंबर डिविजिबल बाय थ्री अगर कोई ऐसा नंबर है सुना अगर कोई नंबर नाइन से चले जाएगा तो थ्री से पक्के से चले जाएगा लेकिन अगर कोई नंबर थ्री से चले जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो नाइन से भी चले जाए एक बार और बोले अगर कोई नंबर नाइन से चला गया तो पक्के से वो थ्री से चले जाएगा लेकिन अगर कोई नंबर थ्री से जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो से सिर्फ किसका टेस्ट है थ्री और नाइन का वन प्लस टू प्लस थ्री कितना होता है दोस्तों हो तो चले जाएगा है ना लेकिन नाइन से नहीं जाएगा समझ में आ रहा है तो वही चीज बोल रहे थे कि अगर की टेबल में कोई नंबर आता है तो वो थ्री में पक्का आएगा लेकिन अगर थ्री नंबर आता है तो जरूरी नहीं है कि वो की टेबल में आए क्लियर हुआ आगे चलते चलो यार क्या देखो भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई फाइव फाइव का डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान है अगर पता करना है कि कोई नंबर फाइव से जाएगा कि नहीं जाएगा तो बस उसकी यूनिट प्लेस देखना है टू की तरह डिफरेंस क्या है टू में जीरो टू फोर सिक्स एट चारों में से पांचों में से कोई भी नंबर हो सकते थे यहां पे क्या होगा सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे जीरो और फाइव होना चाहिए फॉर एग्जांपल एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं मैं कि फाइव थ्री फाइव ठीक है सेवन जीरो जीरो सिक्स टू फाइव समझ में आ रहा है और क्या लिख हैं एट नाइन फाइव कोई भी नंबर हुआ दोस्तों पांच डिजिट का दस डिजिट का बारह डिजिट का बीस डिजिट का अगर हमें पता करना है कि वो फाइव से जाएगा कि नहीं जाएगा तो क्या करेंगे उसका यूनिट्स प्लेस देखेंगे अगर उसमें जीरो या फिर फाइव है तो वो फाइव से निपट जाएगा बहुत सारे दोस्तों को ये बातें पता होंगी नहीं मैं नहीं बताऊंगा क्या भैया अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ जीरो हो। क्या भैया शून्य ठीक है अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर जीरो हो तो वो टेन से निपट जाएगा क्लियर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ कि वन जीरो प्लेस पर थ्री है तो सर आप लोग बताओगे ठीक है आगे चलते हैं ठीक है क्या बात है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई फोर तीन या चार टेस्ट बचे हुए जरा देख लो ठीक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई फोर नंबर इज डिविजिबल बाय फोर नंबर

कहीं पे फंस गए कुछ ऐसा आ गया इस नंबर को फोर से डिवाइड करना है तो अब आप लोग क्या बोलोगे आप लोग करके देखोगे कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा अब 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 मैंने क्या बताया अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखोगे तो आपको करके देखने की जरूरत नहीं है बस क्या करके देखने की जरूरत है कि भैया ये जो नाइनटी लिखा हुआ है ये जो लास्ट के दो डिजिट लिखे हुए हैं यूनिट्स और टेंस पर क्या ये फोर से डिवाइड हो रहे हैं इतने बड़े को करने की जरूरत नहीं है बस इसको देखिए इसको देखिए ठीक है क्या 92 4 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है

कि जो मेरा नंबर के लास्ट के दो डिजिट्स है क्या वो फोर से निपट जाएंगे अगर वो निपट जाएंगे तो मेरा वादा है कि पूरा नंबर फोर से निपट जाएगा क्लियर है बातें आपको इसमें क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्वेंटी एट फोर की टेबल में आता है आता है सर फोर सेवन या ट्वेंटी एट तो ये पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ये होगा या आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ठीक है आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय एट पढ़ लो यार देख लो क्या लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल ओनली वेन लास्ट थ्री डिजिट लास्ट तीन के डिजिट इज डिविजिबल बाई एट फोर में क्या कर रहे थे लास्ट की दो डिजिट देख रहे थे एट में क्या करेंगे लास्ट तीन डिजिट देखेंगे तो करके देख लेते हैं भैया uh, क्या लिखा हुआ है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ इच ऑफ द नंबर बाय एट दोस्तों फोर नाइन वन जीरो फोर क्या चेक करना होगा ये बड़ा नंबर एट से जाएगा कि नहीं जाएगा सर बता दिया सर अब तो डायरेक्ट कर दो अब समझ गए हम लोग हमको बस ये चेक करना है कि क्या 104, की टेबल में आता है कि नहीं आता और वो कैसे चेक करेंगे 104 लिखा दोस्तों की टेबल में 10 तो नहीं आता अरे वन तो नहीं आता ना इसलिए मैंने एक साथ टेन उठाया ठीक है एट की टेबल में टेन तो नहीं आता उससे कम क्या आता है एट तो एट वन झा एट यहाँ पे कट के टू बचा ठीक है टू आगे बढ़ गया भैया के पास चला गया टू और फोर कितना हो गया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्या एट की टेबल में आता है सर एट थ्री ट्वेंटी फोर समझ में आ रहा है एट थ्री ट्वेंटी फोर मतलब अगर आप एट इंटू थर्टीन करोगे तो वन जीरो मतलब मतलब पूरा नंबर भी एट के टेबल में आ जाएगा ये मेरा आपसे वादा है बस हमको लास्ट के तीन डिजिट चेक करना है कि वो एट के टेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे ये वाला आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और ये वाला भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं वो टिक मार्क कर देता तो आपको लगता कि एट से चले जाएगा फिर कमेंट बॉक्स पे बोलते अरे नहीं जाएगा सर आपने गलत कर दिया कभी कभी गलत करते हैं रिमार्क भैया थ्री और नाइन का भी एक रिमार्क था कि जो थ्री की टेबल में आएगा वो नाइन की टेबल जो नाइन की टेबल में आएगा वो थ्री के आएगा ही आएगा लेकिन जो थ्री की टेबल में आएगा जरूरी नहीं है कि वो नाइन की टेबल में है समझ में आ रहा है वैसे ही क्या लिखा हुआ है नंबर से तो फोर की टेबल में आएगा ही आएगा विश्वास नहीं हो तो करके देख लो ठीक है और अगर कोई नंबर है जो फोर की टेबल में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एट की टेबल में भी आएगा ये था रे मार्क फॉर एग्जाम्पल लिखे हुए थर्टी सिक्स ठीक है भैया अगर हमको पता करना है कि फोर से जाएगा कि नहीं जाएगा तो क्या करेंगे लास्ट के दो अरे पे दो ही डिजिट्स है तो क्या थर्टी सिक्स में आता है आता है सर भैया यहाँ पे तीन डिजिट का, का नंबर तो है नहीं में क्या करते हैं तीन डिजिट का चेक करते हैं यहाँ पे तीन डिजिट है नहीं तो ऐसा लिख सकते तीन डिजिट बनाने के लिए जीरो थ्री सिक्स है तीन डिजिट बना दी अरे नहीं थी पर बना दी राइट समझ में आ रहा है क्या ये एट से जाएगा अरे जीरो का कोई सेंस नहीं है क्या की टेबल में आता है नहीं आता अरे नहीं आता नहीं आता एट फोर जा थर्टी टू होता है एट में क्या रह गया भैया थर्टी सिक्स रह गया एट की टेबल में नहीं आता तो बस कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जो नंबर एट की टेबल में आएगा जरूरी नहीं है कि सॉरी जो नंबर फोर की टेबल फोर की टेबल में आएगा जरूरी नहीं है कि वो एट की टेबल में भी आए आगे चलते हैं दोस्तों क्या बात है क्या दिया हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय सेवन दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बचे हैं सेवन और इलेवन का ठीक है रूल क्या है रूल मैंने लिखा नहीं है मैं आप लोग को बोल के बताऊंगा रूल लिखता फालतू पंचायत लगती मैं बता देता हूं कोई भी नंबर हो दोस्तों कोई भी नंबर हो उसका यूनिट प्लेस निकालो क्या निकालो उसका यूनिट प्लेस निकालो ठीक है क्या निकालना है भाई लोग यूनिट प्लेस जैसे कि नंबर सिक्स सेवन टू इसका यूनिट प्लेस क्या है टू है अब क्या करेंगे मन में करेंगे टू को डबल कर दो क्या कर दो डबल अरे जो भी यूनिट प्लेस पे हो ना उसको डबल कर दो डबल करने का मतलब क्या टू से मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई तो अगर टू को मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो फोर आता है टू को मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो फोर आता है फोर को अपने खोपड़िया के इस यहां पे रखो अपने खोपड़िया के एक पार्ट में रखो समझ में आ रहा है खोपड़िया मतलब खोपड़िया ना ठीक है तो फोर को हमने क्या रखा भैया यहां पर रख लिया यहां पर ठीक है या? पे पे. बचा क्या टू हटाकर बचा क्या सिक्सटी टा कर टू तो मैंने यूज कर लिया टू को मल्टीप्लाई कर दिया फोर फोर आ गया बचा गया सेवन को यहां पर रखो ठीक है एक पार्ट में क्या फोर एक पार्ट में 67, एक बार बोलकर दिमाग में घुस जाएगा, जाएगा अब क्या करो इन दोनों को माइनस कर दो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो सिक्सटी सेवन माइनस फोर सिक्सटी सेवन माइनस फोर कितना है है? 63, क्या सेवन की टेबल में सिक्सटी थ्री आता है आता है सर सेवन नाइन सा 63 इसका मतलब, इसका मतलब मतलब जो माइनस करके नंबर आया ना अगर वो सेवन की टेबल में आएगा ना तो ये पूरा नंबर भी सेवन की टेबल में आएगा आई होप बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है दोस्तों प्लेस पर क्या है 1. मैं मन में कर रहा ठीक है मन में कर रहा हूँ आप लोग समझ जाओगे समझदार लोग है ना अपने साथ वाले हैं ना वन आ रहा है यूनिट्स प्लेस पर टू से मल्टीप्लाई करो भैया टू वन जेट टू कर रखेंगे खोपड़िया में इधर इधर है ना इधर इधर भी रख लो कोई दिक्कत नहीं इधर रख लो टू वन जैर टू टू यहाँ पेड़ केन तो यूज कर लिया फाइव थ्री फोर फाइव थ्री फोर को इधर रखो फाइव थ्री फोर को इधर रखो फाइव थ्री फोर माइनस टू यहाँ पे फाइव थ्री फोर टू फाइव थ्री फोर टू फाइव थ्री फोर फाइव थ्री फोर माइनस टू कितना है फाइव थ्री टू सर अब ये जो नंबर है ये पता क्या सेवन से डिविजिबल होगा कि नहीं क्या नंबर आया दोस्तों ये सब करने के बाद क्या आया फाइव थ्री टू ठीक है फाइव थ्री टू यही आया नंबर

फोर्टी नाइन क्या सेवन के टेबल में आता है सर सेवन सेवन फोर्टी होता है इसका तो जो क्वेश्चन पूछा था वो भी सेवन की टेबल में आएगा अगर किसी को लग रहा है कि सर इसको करने के बाद जो फोर्टी नाइन आ रहा है वो भी मुझे बड़ा लग रहा है मुझे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि वो सेवन से जाएगा कि नहीं जाएगा क्या करेंगे

करना क्या एक बार रिपीट करते थे यूनिट्स प्लेस को डबल करो मतलब टू से मल्टीप्लाई करो डबल करने के बाद यूनिट्स प्लेस को हटाओ यहां पे डबल करने के बाद एक आंसर रख लो जो नंबर यूज कर लिया उसके अलावा जितने नंबर्स बचे उसको एक साइड रख लो जो नंबर यूज कर लिया उसके अलावा जो नंबर बचे उसको एक साइड रख लो जो डबल करके आया तो उसको एक साइड रखो दोनों को माइनस कर दो समझ में आ रहा है अगर नहीं आ रहा तो 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 कुछ नहीं कर सकते अरे समझा दिए भैया पीछे करके देख लो समझ में आ जाएगा बबुआ हम जानते हैं तुमको आ जाएगा आगे चलते ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं होमवर्क दोस्तों कर लेना है ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही कर लेना पॉज करके चलो यार आगे चलते हैं मुझे जरूर आंसर बताना कमेंट में इलेवन का क्या है भैया इसका भी काफी ज्यादा अगर लिख देता रूल तो घबरा जाते मैंने क्या सोचा भैया ऐसे ही बता देते क्यों ना जरा देखो एट सिक्स थ्री फोर सेवन एट एट सिक्स थ्री

पहले पोजिशनिंग कर दो सबकी ठीक है अब क्या करो ऑर्ड नंबर कौन कौन से दोस्तों वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव ऑर्ड नंबर है तो आप लोग क्या करोगे आप वन प्लस थ्री प्लस फाइव या फिर ऐसा बोलू वन थ्री और फाइव नंबर पे जो फाइव पोजिशन पे जो नंबर आ रहे हैं उनको आप प्लस करोगे और बचा क्या टू फोर और सिक्स ये इवन नंबर है तो टू फोर और सिक्स पोजिशन पे जो नंबर आए आप उनको प्लस करोगे तो इसको करते हैं इसको करते हैं इल्लो पेन से करते हैं भैया ठीक है क्या बात है तो पे कौन सा आ रहा है भैया एट आ रहा है ध्यान से समझ लो समझ आ जाएगा थर्ड पे क्या आ रहा है भैया फोर आ रहा है फिफ्थ पे क्या आ रहा है भैया सिक्स आ रहा है क्या बात है पे पे सॉरी सेवन आ रहा है प्लस फोर्थ पोजिशन पे क्या आ रहा है थ्री आ रहा है सिक्स पोजिशन पे क्या आ रहा है एट आ रहा है इनका आंसर निकालो एट प्लस फोर मन में करना है दोस्तों मन में करना है मन में है विश्वास पूरा है विश्वास तो कर देंगे एक बार मन में फालतू बात बोली चला लो काम ठीक है हो हो गया 12 plus 6, 18 हो गया ठीक है है क्या बात दोस्तों अब, 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 उनको प्लस करके जो आंसर आया इवन नंबर पे जो नंबर थे उनको प्लस करके जो आंसर आया उनको निपटा दो उनको क्या कर दो निपटा दो एक बार बोर्ड पर लिखना पड़ेगा दूसरी बार क्या हो जाएगा मन में हो जाएगा एटीन माइनस एट कितना है जीरो अगर माइनस करने के बाद दोस्तों जीरो या फिर इलेवन आ रहा है जीरो या फिर इलेवन आ रहा है तो वो नंबर इलेवन से डिवाइड हो जाएगा और अगर जीरो और इलेवन के अलावा कुछ आ रहा है तो वो नंबर इलेवन से डिवाइड नहीं होगा समझ आई बात क्या बात है एक करके दिखा दे तो एटीन माइनस कितना होता है दोस्तों एटीन माइनस होता है जीरो एटीन माइनस और एटीन होता है जीरो जीरो अगर आ रहा है तो इलेवन से चले जाएगा कौन सा नंबर ये वाला नंबर डबल टिक मतलब इलेवन से चला गया ठीक ये करके देख या ये करके देख ये करके देख लेते हैं ये आप लोग कर लेना यहाँ पे बीच में जीरो लिखा है तो तुम लोग कन्फ्यूजिया ना जाओ तो इसलिए ये करके दिखा देते हैं हम लोग ठीक है जरा देखिए भैया बहुत आसान बहुत आसान पोजीशनिंग देंगे भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस बार सात सात पोजिशन से और नंबर कौन कौन सा भैया वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री फाइव सेवन ठीक बा मन में करेंगे इस बार बस लिख देता हूं और इवन पे क्या आ रहा है टू फोर सिक्स नंबर्स और ऑड नंबर्स तो पता है ना टू फोर और सिक्स इनको प्लस करेंगे इनको इनको प्लस करेंगे इनको ना प्लस कर देना इनकी पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है उनको प्लस करना है कुछ बताए जल्दीबाजी में क्या कर देंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन कर देंगे नहीं, नहीं, नहीं 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 ये पोजिशन लिखिए इस पोजिशन पे जो नंबर आ रहा है उनको प्लस करना है तो भैया फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है ना फर्स्ट पोजिशन पे कौन सा आ रहा है

या फिर ऐसे कर लो सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस एट एटीन एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री आ गया ट्वेंटी थ्री जीरो नॉट डिविजिबल बाई इलेवन थर्टीन इलेवन के टेबल में नहीं आता जो भी नंबर आ रहा है वो इलेवन के टेबल में आना चाहिए आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी जीरो और इलेवन की टेबल में आना चाहिए समझ में आ रहा है जीरो जीरो की टेबल में में नहीं मतलब लास्ट आना चाहिए या फिर इलेवन की टेबल में वो नंबर आना चाहिए क्लियर है बातें आगे बढ़े समझ में आ गया इलेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बात है और नंबर वाले प्लेसेस में जो नंबर लिखे उनको प्लस करना है इवन नंबर वाले प्लेसेस में जो नंबर लिखे उनको प्लस करना है जो आंसर आए खोपड़िया में रख के निपटा दो निपटाने के बाद अगर जीरो आ रहा है तो इलेवन से चले जाएगा या फिर जो नंबर आ रहा है, है तो इलेवन से चले जाएगा रिप्लेसिंग अल्फाबेट यूजिंग सूटेबल नंबर बहुत ही मजेदार टॉपिक क्या होगा भैया क्वेश्चन के फॉर्म में बताएंगे अल्फाबेट क्या लिखा है यहां पर क्यू लिखा है क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर पहले क्वीन बोल नहीं पाता था

कौन से नंबर में थ्री प्लस करा होगा कि नीचे वन आ गया आराम से आराम से आराम से आराम से कौन से नंबर में थ्री प्लस करा होगा कि नीचे वन आया सर थ्री में क्या प्लस करूंगा कि आए तो थ्री से छोटा है सर थ्री में क्या प्लस करूंगा कि वन आए वन तो थ्री से छोटा है बात तो सही बोल रहा हूं इसका मतलब इसका मतलब क्या ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं अरे होगा अरे कैसे होगा बता देते करके थ्री में अगर आप की जगह मान लो

तो अपन को एक आंसर तो मिला भैया वन पे आ रहा है क्या बात है अब क्या करना भैया तो सर वन प्लस वन करेंगे तो वैसे टू आ गया जीरो कैसे आएगा इसका मतलब वन क्यू की जगह क्या लिखते हैं लिख क्यू तो की वैल्यू एट ही होगी ना अब आप खुद ही करके देखो अगर यहां पर मैं एट लिखता हूं क्या लिखता हूं एट लिखता हूं आप ऐसे करके देखना ठीक है थ्री वन एट और वन एट यहां पे वन आया था three. समझ में आ रहा है ऐसे करके देख लो आप लोग ठीक है अब प्लस करके देखो थ्री प्लस एट इलेवन वन प्लस एट टेन का देखो जीरो इधर आया फोर ये देखो फाइव जीरो वन आ गया समझ में आया कैसे करना है ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा एंड आई होप आप लोग कर लोगे बहुत आसान है समझ में आ रहा है बस सोचना है कि किसको किसमें क्या प्लस करूं कि नीचे जो दिया हुआ है वो आ जाए

जब भी ऐसा कुछ आंसर आ जाए जो फाइव से ज्यादा बड़ा फाइव से छोटा है इसका मतलब जो टोटल आंसर आ रहा होगा ना वो टेन से बड़ा आ रहा होगा या टेन के बराबर आ रहा क्यों सर फाइव प्लस सिक्स इतना होता है इलेवन होता है फाइव प्लस सिक्स इतना अब बहुत आसान है एट प्लस कितना हो गया नाइन हो गया नाइन में क्या प्लस करेगी फाइव आ जाए नाइन से छोटा है मतलब पूरा आंसर टेन से ज्यादा हो रहा होगा से छोटा आ रहा है ये। इसका मतलब पूरा में क्या प्लस करें, की आ में क्या प्लस करें की आ मतलब कुछ फिफ्टीन आ रहा होगा तो नाइन प्लस कितना करूं सिक्स कर दू नाइन प्लस सिक्स मतलब बी की वैल्यू क्या जा हो जाएगी सिक्स आप करके भी देख सकते हो दोस्तों

10 से बड़ा मतलब थ्री आ रहा है मतलब थर्टीन आ रहा होगा कुछ तो सिक्स में क्या एड करूंगा मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी वन 8. 8 इधर चला गया वन प्लस सिक्स वन प्लस सिक्स सेवन हुआ वन प्लस सिक्स सेवन हुआ सेवन में क्या एड करेगी नाइन आ जाए ये इजी है सेवन से बड़ा नंबर आ रहा है सेवन से बड़ा नंबर आ रहा है मतलब टोटल आंसर से छोटा हो रहा होगा से बड़ा नंबर यहां पे आ रहा है मतलब इन तीनों का टोटल आंसर से तो 7 प्लस क्या करेगी नाइन ना आ जाए टू मतलब डी की वैल्यू क्या गई टू अब आप यहां पर लिख सकते हो चेक भी कर सकते हो सिक्स ए की वैल्यू सेवन बी की वैल्यू सिक्स सिक्स सेवन सिक्स फाइव डी की वैल्यू टू फाइव एट सी की वैल्यू क्या सिक्स आप इसको प्लस करके देखोगे फाइव प्लस एट प्लस नाइन थ्री फाइव बन आ रहा था मतलब हमारे A की वैल्यू कितनी है सेवन ऐसे लिख देना एग्जाम में b की वैल्यू कितनी है सिक्स सी की वैल्यू कितनी है सिक्स और डी की वैल्यू कितनी है आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी ये क्वेश्चन दिमाग लगा के करना है इसीलिए इस चैप्टर का नाम प्लेइंग क्योंकि हम लोग के साथ खेली तो रहे ठीक है थीके? आगे चलते हैं दोस्तों जरा देखते रहो तो क्या दिया भैया अगला क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन रहेगा आपका मेरा साथ आज का यहीं तक रहेगा कोई बात नहीं जल्दी से करते क्या बात है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों जरा देखते हैं ए में ए मल्टीप्लाई करा तो ए आया

हर जगह एक वैल्यू सेम रहनी चाहिए यही तो खेलना है नंबर से समझ आ रही है बातें क्या बात है अब आगे देखो भैया अगर मैं एक ही जगह थ्री लिख दू क्या लिख, एक थ्री लिख, दू।, पे थ्री लिख दू तो थ्री थ्री जा नाइन फिर गड़बड़ा आ गया क्या गड़बड़ा गया भैया यहाँ पे एक ही वैल्यू थ्री यहां पे एक ही वैल्यू थ्री यहां पे एक ही वैल्यू नाइन ये कैसा चक्कर है रे अब आगे क्या करे ठीक है एक ही जगह फोर लेके देख लेते फोर 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 जा 16, ये तो गड़बड़ा गया मामला भैया चलो ये वन तो मान लिया इधर चले जाएगा लेकिन सिक्स आएगा एक ही वैल्यू ऊपर फोर नीचे फोर सबसे नीचे सिक्स गड़बड़ा गया का। खेलना है खेलना है दिमाग लगाना है ठीक है आगे देखे भैया सिक्स ले, ले, ले लेते हैं, ले लेते हैं ले लेते हैं थर्टी सिक्स मतलब यहाँ पे भी सिक्स आएगा और थ्री ऊपर चले जाएगा क्या बात है सर सिक्स आएगा मतलब यहां पे भी एक ही वैल्यू सिक्स यहाँ पे भी एक ही वैल्यू सिक्स यहाँ पे भी एक ही वैल्यू सिक्स समझ आ रहे तो थ्री ऊपर चला गया अब इसको कर लेते भैया। पे क्या sixth, sixth वन्जा। सर ये है सर ये अरे एक ही वैल्यू निकाल चुके है ना। क्या? Sixth, sixth six, प्लस थ्री करते हैं ना दोस्तों करके भी देख सकते हो यहाँ पे ब्लू पेन पेन बोल रहा हूं ब्लू पेन निकाल लेते भैया वन और यहाँ पे क्या आएगा भैया इंटू सिक्स आएगा आपका कितना भैया कितना भैया कितना भैया नाइनटी सिक्स करके भी आप देख सकते हैं बस छुपी हुई वैल्यूज ढूंढनी थी छुपी हुई छुपी हुई।, हुई क्या थी सिक्स और सिक्स और सिक्स क्लियर हुआ चलो आर क्या बात है भैया यहां पे क्या बोल रहे हैं फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन साइन है फाइव में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट्स प्लेस पर भी फाइव आएगा समझ में आ है फाइव नहीं आएगा मतलब यूनिट्स प्लेस पर भी क्या आएगा जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था वो समझ 5 में कुछ ऐसा करना है तो यहां पर बी की वैल्यू वन यहाँ पे बी मतलब तो मतलब तो तो की वैल्यू फाइव नहीं 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 दोनों जगह कैसे अलग अलग हो सकता है ना अब टू के देखते हैं बी की जगह टू रखा फाइव टू जन टेन का जीरो पे तो बी की वैल्यू यहां पर टू यहां पर जीरो नहीं बन रहा काम राइट यहां पे थ्री रख के देखते हैं जा तो यहाँ फाइव थ्री तो यहां पे यहां यहां पे फाइव, यहाँ पे बी की वैल्यू यहां पे की वैल्यू थ्री नहीं हो रहा काम समझ में आ रहा होगा आप लोग को मैं क्या कर रहा हूं ठीक है अब ऐसे आप चलते जाओगे तो मान लो बी की जगह चार रखा यहां पे भी चार आना चाहिए दोस्तों लेकिन नहीं आएगा फाइव फोर जा ट्वेंटी मतलब यहां पे फिर से जीरो आ गया यहाँ पे टू आ गया समझ में आ रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू चार यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो मतलब ये भी गलत है फाइव रख के देखते हैं भैया फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव

तो यहां पे भी ए आना चाहिए समझ में आ रहा है करके देखते हैं रैंडमली कोई नंबर रख के देखते हैं ठीक है ठीके? बहुत ध्यान से सबसे तो पहले वन रख के देख ले तो फाइव वन वन पहले मैं एक ही वन रख के देख रहा हूं ठीक है बहुत ध्यान से फाइव वनजा वन प्लस टू सॉरी फाइव वनजा वन बोल रहा हूं फाइव वनजा फाइव प्लस टू सेवन ठीक है माफ कर देना फाइव वनजा वन नहीं फाइव वनजा फाइव ठीक है हाँ तो फाइव वनजा फाइव प्लस टू सेवन यहाँ पे सेवन आ जाएगा लेकिन यहाँ पे जो दो डिजिट का नंबर आना चाहिए अब चेक कर लो हमने क्या रखा एक ही जगह टू मतलब एक ही जगह टू आ रहा है देखो ना यहाँ पे भी एक ही जगह टू आ रहा है जो मल्टीप्लाई करके प्लस करने के बाद नंबर आ रहा है जो फाइव से मल्टीप्लाई करके प्लस करने के बाद नंबर आ रहा है वहां पे एक की वैल्यू और यहां पे एक की वैल्यू दोनों जगह टू टू है मतलब ए की वैल्यू टू है मतलब ए की वैल्यू टू है समझ में आ रहा है ऐसे करना था आपको मतलब यह आपका सही आंसर है ए की वैल्यू टू होगी तो फाइनली आंसर क्या आ गया भैया यहां पे सब मिटा के बी और बी की वैल्यू कितनी आ गई फाइव और ए की वैल्यू कितनी आ गई टू सी की वैल्यू कितनी आ गई 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 वन है ना ट्वेल्व आ रहा था वन और ए की वैल्यू कितनी आ गई ए की वैल्यू टू जाहिर सी बात है यहाँ पे टू तो यहाँ पे भी टू आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी ठीक है आगे करके देखते हैं भैया यहाँ पे देखो थोड़ा सा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन देखो ठीक है तो सिक्स में सेम इसी की तरह ठीक है में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना था कि पे भी आए राइट सब यहाँ पे भी नहीं आए पे भी वही नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सिक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है मान लो यहाँ पे चलो करके देखते हैं बी की जगह मान लो वन के देखते हैं ठीक है बी की जगह मान लो वन हिट एंड ट्रायल कर रहे बी की जगह वन रखा तो सिक्स वन दोस्तों

सिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करना है कि यहां क्योंकि बी की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है दोस्तों। यहां पे एक दो तीन चार जगह बी लगा हुआ है तो काम बराबर हुआ मतलब यहां पे भी बी की वैल्यू टू तो होगी अब खुद सोचो सिक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करू यहां पे सिक्स में कुछ ए मल्टीप्लाई करेंगे क्या मल्टीप्लाई करूं और फिर प्लस वन करूं तो ट्वेंटी टू आ जाए Six में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और फिर प्लस वन करूं कि ट्वेंटी टू आ जाए सिक्स में सिक्स टू ट्वेल्व प्लस नहीं आ रहा thiriza, 18. Thiriza, 18. One, 19. नहीं आ रहा सिक्सा कितना होगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव नहीं आ रहा ये तो काम गड़बड़ा गया आगे निकल गए हम ट्वेंटी फाइव पे चले गए समझ में आ रहा है और ये तो ट्वेंटी टू ही है ठीक है तो हमने यहां पे टू रखा है वो गलत होगा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अब टू भी नहीं होगा भैया थ्री रख के देख लेते हैं एटीन आ रहा, यहाँ पे एट आ रहा है। तो बी की जगह थ्री भी नहीं रख सकते क्या बात है बी की जगह फोर के देखते हैं ठीक बा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का फोर इधर टू इधर क्या बात है बी की वैल्यू यहाँ पे चार तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी चार करके देख लेते हैं भैया अब आगे Six में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसमें टू प्लस करो तो यहां पे क्या है 44. फिर से हूं. में दोस्तों कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है में एक ही पहले के देखते हैं. तो डबल फोर चाहिए राइट सिक्स टू झा ट्वेल्व अगर एक ही जगह टू रखू सिक्स टू झा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन मुझे तो फोर्टी फोर चाहिए मतलब एक ही टू भी नहीं होगी ठीक है सिक्स एक ही जगह थ्री के देखता हूं सिक्स थ्री जा 18 2 20 यहां पे 44 चाहिए तो एक और 2 3 भी नहीं होगी 6 4 जा, 4 रख लेते हैं 6 4 24 2 26 मुझे तो 44 चाहिए तो ये भी काम नहीं हो रहा है 6, 5 जा 5 5 रख लेते हैं 6 5 30 2 32 मुझे तो 44 चाहिए समझ मार है 6, 6 जा एक ही जगह 6 रख रहा हूं 6 6 जा, 36 2 38 आना चाहिए मेरा तो 44 आ रहा है 6 uh, कितने दा 7 चलेगा 6 7 राइट 6 7 जा, फोर्टी टू प्लस टू फोर्टी फोर आंसर आ गया क्या सिक्स सेवनजाटी टू प्लस टू फोर्टी फोर सिक्स टू प्लस टू फोर्टी फोर मतलब ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों ए की वैल्यू होगी आप लोग की सेवन और बी की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की यहां पे लिख लेता हूं बी की वैल्यू कितनी आ, कितना था फोर आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी अगर क्रॉस चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे एक ही जगह सेवन रखो यहाँ पे फोर रखो सेवेंटी फोर इंटू सिक्स करो यहाँ पे आपको ट्रिपल फोर मिल जाएगा क्लियर है बातें चलो यार आगे बढ़ते हैं बी ए और बी की वैल्यू पता चल गई ये देखते हैं भैया मोस्ट ऑबली लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के ऊपर छोड़ दू कुछ क्वेश्चन चलो ये वाला तो आप लोग के ऊपर छोड़ा और ये वाला भी आप लोग के ऊपर छोड़ा प्लस करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान है क्या करना है आप लोग को ए और बी की वैल्यू बताना है ए और बी की वैल्यू बताना है यहां पे बस मल्टीप्लीकेशन वाले कुछ क्वेश्चन टफ नहीं होते टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते समझ में आए आगे की क्लासेस में आप को कभी बताऊंगा कि डायरेक्ट और जल्दी कैसे करा जाए इक्वेशन बनाकर ठीक है इक्वेशन है ना वो इज इक्वल टू का साइन बताएंगे बताएंगे आराम से बताएंगे फिलहाल के लिए यहां पर दिमाग लगा के करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक है आगे क्या है भैया देख लेते हैं बस हो गया काम कदम मुझे लगा एक कुछ और होगा बट नहीं है कोई बात नहीं तब तक के लिए यार आई होप आप लोग मजा आया होगा थैंक यू वेरी है इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो मजे करो ऐश करो खुश रहो खेलो कूदो अरे भैया जो करना है वो करो और मैं चलता हूं टाटा एंड